आई एयरपोर्ट पर नोएडा पुलिस को सुपुर्द किया गया। दोनों को अदालत में भी पेश किया जा सकता है। आपको बता दें कि रवि के खिलाफ गैंगरेप और गैंगस्टर एक्ट में मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही रवि काना के खिलाफ रेड कॉर्नर और लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। वहीं रवि काना के गैंग के 14 सदस्य पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। स्क्रैप माफिया रवि काना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आप तस्वीरों में देखेंगे तो रवि काना और काजल झा को पुलिस लेकर जाती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। स्क्रैप के काले साम्राज्य को पिछले एक दशक से लगातार चला रहा था और थाईलैंड में रहने के दौरान यहां भारत आने की फिराक में भी लगा हुआ था। जो जानकारी पुलिस सूत्रों को मिली है उसके मुताबिक रवि काना और काजल जो है, काजल की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये काजल झा है जो पूरा अकाउंट का काम संभाला करती थी और बीटेक का कोर्स किया हुआ है। इस रवि काना के पूरे काले साम्राज्य कि अगर कर्ता धर्ता की बात की जाए तो काजल झा जो हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं ये फिलहाल पुलिस कस्टडी में मौजूद है। तकरीबन दो महीने के आसपास ये लोग थाईलैंड में रहे और वहां रहने के दौरान इनका जब वीजा खत्म हुआ, वीजा खत्म होने के बाद ये बर्मा और नेपाल के रास्ते भारत आना चाह रहे थे, लिहाजा पुलिस ने उससे पहले इसको धर दबोचा है और थाईलैंड पुलिस ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद इसको गिरफ्तार किया और उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर काजल को, दिल्ली एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो दिल्ली एयरपोर्ट पर यहाँ डिपोर्ट कर थाईलैंड पुलिस गई थी और उसके बाद इनको हिरासत में लिया गया है। आप देख सकते हैं अभी भी काजल झा यहाँ पुलिस कस्टडी में, इनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कोर्ट में पेश करने के बाद 7 दिन की जो रिमांड है वो पुलिस अधिकारियों के द्वारा मांगी जा रही है। 7 दिन की रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो रहा करते थे और इनके काले साम्राज्य को चलाने के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे और किस तरीके से इस पूरे साम्राज्य को चलाया जाता था। आपको बता दें कि कई बड़े जो हैं सफेदपोश नेता और कई अधिकारियों का नाम इस पूरे मामले में सामने आया है, जिसको लेकर अब पुलिस अधिकारी रिमांड के दौरान इस पूरे मामले में पूछताछ करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल कोर्ट के सामने पेश कर अब इनको जेल भेजा जाएगा और उसके बाद रिमांड लेने के बाद तब ये बात साफ हो पाएगी कि जिन जिन लोगों के नाम पूछताछ में इनके द्वारा बताए गए हैं। रवि काना से तकरीबन 50 के आसपास सवाल पूछे गए, काजल से 47 के आसपास सवाल पूछे गए और अकाउंट